सो हेलो भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहेडो में स्टार्ट कर रहा हूँ शाम से, तो ये इग्नाइटर बाइक, एक भाई ने कमेंट किया था भाई इग्नाइटर के ऊपर भी वीडियो बनाओ। तो इग्नाइटर का आज हम क्लास प्लेट चेंज करने वाले, क्योंकि इस बाइक में थोड़ा सा पिकअप का इशू आ गया है और ये बाइक चल चुका है लगभग 30,000 किलोमीटर प्लस चल चुका है। तो आज के इस वीडियो में इसका क्लास प्लेट चेंज करेंगे, क्योंकि इसका पिकअप वगैरह थोड़ा डाउन है। इसका मैंने इंजन ऑयल चेंज कर लिया है और जितने भी 8 नंबर के बोल्ट है वो पहले से ही खोल रहे हैं। अभी बात यह है, ये वाला बाइक तो बंद हो चुका है आपका इग्नाइटर, तो इसमें क्लास प्लेट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो कौन सा बाइक का क्लास प्लेट हीरो इग्नाइटर में लग जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका क्लास प्लेट चेंज करूंगा और इसका पिकअप वगैरह भी आपको दिखाऊंगा कि पहले से इंप्रूव हुआ है कि नहीं। इसका जो भी बॉडी पैनल है वो सब कुछ हम न्यू लगाने वाला है। ये देखो, हीरो का पूरा सामान मेरे पास आ चुका है। इसका पूरा बॉडी पैनल, इसको छोड़ के हेडलाइट का ये आपका साइड पैनल हो गया। तो बाइक को ब्रांड न्यू करना है, उस हिसाब से इसका पूरा सामान ऑर्डर देकर आ चुका है, हीरो पार्ट्स का पूरा जेनून। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ये देखो हीरो का मास्क, इसी का प्राइस है आई थिंक 1300-1400 रुपये। ये पूरा ऑरिजिनल है, तो इसका सब कुछ हम चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बॉडी पार्ट्स के ऊपर, और आज के इस वीडियो में इसका क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डिपस्टिक हमने निकाल दिया, और जितने में 8 नंबर का बोल्ट है वो सब कुछ निकाल लिया, और इसका ऑयल ड्रेन भी हमने कर लिया है। और यहाँ पे पक्का लिखा रहता है उसको, जो नीचे ब्रेक रोड रहता है उसको हम निकाल लिया है। और नीचे आपका इस तरह का कुछ आपका लोहे का चीज़ रहता है, इसको भी निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्लच चेंबर, इसका जो पैकिंग है देख सकते हैं कोई भी डैमेज वगैरह नहीं हुआ है, और इसका पैकिंग भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पैकिंग को रीयूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये पैकिंग सही है। अगर कट गया होता तो इसको हम चेंज कर देते हैं। और क्लच चेंबर देखो कितना क्लीन है, क्योंकि इसमें मोतुल 5100 कॉयल का यूज़ किया गया है। तो इसका क्लच चेंबर देखो ऑलरेडी क्लीन है, बहुत सारा क्लीन है। नेक्स्ट इसका जो ये वाला फिल्टर है, और इसका होंडा साइन का जो इंजन रिबिल्ड है, इंजन ओपनिंग क्लच प्लेट चेंजिंग, वो एकदम सेम होने वाला है। या फिर आप बजाज XCT का बोल सकते हो, या फिर आप डिस्कवर का बोल सकते हो, या फिर आप होंडा का यूनिकॉर्न 150 है, सेम ये वाला हॉर्नेट का ही बोल सकते हो, सेम इस टाइप का इंजन रहता है। तो प्रोसेस एकदम एक नंबर सेम होने वाला है। ये है पल्सर वाले बाइक का GPT पेनियम, इसको हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी गियर बोल सकते हो। इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये मूव हो रहा है, इसके बीच में लगा देंगे। बहुत सारे लोग इस जगह पे स्क्रू ड्राइवर फंसाते हैं, वो भाई एकदम गलत तरीका है। ये खुल गया, इसको मैंने पहले से ही लूज करके रखा था, बट प्रोसेस इस तरीके से आपको खोलना पड़ेगा। स्पेशल टाइप का नट, ये वाला जो सिस्टम है वो निकल जाएगा। और इसके अंदर इस जगह पे एक वाशर रहता है, इसको साइड में रखना है। और इस जगह पे कोई भी वाशर वगैरह कुछ नहीं है, और ये आपका प्राइमरी गियर, और ये क्लच हाउसिंग। और इस क्लच बियरिंग को हम पुल आउट कर लेंगे, निकल गया। और क्लच बियरिंग की बात करें, अगर आप किसी बाइक की इंजन रिबिल्ड कर रहे हो, क्लच बियरिंग हमेशा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज इसमें से साउंड आता है। इसमें देखो कोई भी प्ले नहीं है, हल्का सा प्ले ये रहता है। और इसमें चेक कर लीजिए कोई साउंड अगर आ रहा है कि नहीं, कोई साउंड नहीं आ रहा है मतलब ये हम रीयूज़ कर लेंगे। अगर आप क्लच बियरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो 100% चेंज कर दीजिए, अदरवाइज क्लच बियरिंग टूट भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर रहता है ना, तो प्रॉब्लम कर दीजिए। सही है। और इसका वो क्रिस क्रॉस में खोलना है, अदरवाइज इसका जो होल्डर प्लेट है, इसको कहते हैं होल्डर प्लेट, ये टूट जाएगा। अगर आपने एक पूरा खोल दिया उसके बाद दूसरा खोल रहे हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में, इसको थोड़ा खोला, इसको थोड़ा खोला, और ये हमारा होल्डर प्लेट बिल्कुल सही है, और इसका हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट जो 19 नंबर का बोल्ट है, नट है सॉरी, इसको निकालना पड़ेगा। और इसको होल्ड करने के लिए एक होल्डर, क्लच होल्डर आता है 4 पिन का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक वॉशर रहता है, जो वॉशर जिसके ऊपर रहता है उसको ध्यान पे रखिए, और ये हमारा पूरा क्लच असेंबली बाहर निकल जाएगा। एंड इस बाइक में गाइस गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था, गियर बहुत ही हार्ड डल रहा था, क्योंकि देखो इसके हाउसिंग में देखो निशान पड़ चुका है। तो इसको रिपेयर कर सकते हैं हम, इसको फाइल से इसको स्मूथ कर देंगे हल्का सा, तो इसका गियर का प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। और बात करें इसका क्लच सेंटर हब की, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करना पड़ेगा,
सबसे पहले हम इसको अलग कर देते हैं, और इसके पीछे एक वाशर रहता है जो कि इससे का लगता है, ये हमें लगता है। एंड नेक्स्ट बात करें इसका जो ये वाला सेंटर है, इसे कहते हैं हब, ये सेंटर कोई भी मान लो, तो इसका जो ये वाला सेंटर है ये बिल्कुल ठीक है, कटा नहीं है, इसमें मतलब कोई भी गड्ढा नहीं है, तो इसको हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्राइस रहता है लगभग 365 रुपीज़। ये आपका साइन का 100% इसमें लग जाएगा, होंडा साइन BS3 जो साइन SP पर आप नॉर्मल साइन बोल सकते हो, तो ये इसको हम नहीं लगा रहे क्योंकि ये सही है। सो बात करें इस हब की, तो हब देखो कट चुका है हल्का सा, इसलिए ये वाला जो फेस है वो हल्का सा डाउन है, तो मतलब ये वाला हब को हमको चेंज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो कौन सा हब हमको लगाना पड़ेगा? हमको लगाना पड़ेगा होंडा साइन का हब, होंडा साइन का क्लच प्लेट भी इसमें लग जाएगा। तो अगर आपको हीरो बाइक का नहीं मिल रहा है, हीरो इग्नाइटर का, तो आप होंडा साइन का लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा, और क्लच प्लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। बात करें क्लच प्लेट्स की, इसमें देखो चार क्लच प्लेट्स रहते हैं, सो इसमें चार क्लच प्लेट रहते हैं। क्लच प्लेट्स मैं बोलूँगा 50% लेदर बचा हुआ है, 100%। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि भाई इसका लेदर देख लो ये बचा हुआ है कि नहीं। मेरे हिसाब से 50% बचा हुआ है, तो देखते हैं और कौन कौन से कमेंट करते हैं लोग, तो आपको देखे क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करो। ये देखो ये ओरिजिनल, इसको हम चेंज कर रहे हैं, और इसका जो ये वाला स्टील प्लेट है ये इसको हम चला देंगे, ये चल जाएगा कोई बात नहीं, बट ये क्लच प्लेट हमको न्यू लगाना पड़ेगा। खोल कर दिखाता हूँ, इसकी यहाँ पर एक वॉशर रहता है और इसके पीछे एक बुश रहता है, और कुछ भी वॉशर वगैरह कुछ नहीं रहता है, ये इस तरह से रहता है। तो इसका जो हब है यहाँ पे देखो प्ले आ चुका है, ये देखो, तो इसको रिपेयर करना पड़ेगा। बट कस्टमर ने बोला कि उसको बाइक को जल्दी चाहिए, और इसका फुल इंजन रिबिल्ड जब टोटली ख़राब हो जाएगा तब हम रिबिल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका क्लच प्लेट चेंज करके छोड़ देंगे, और इसका तो कहानी में ख़त्म, इसको तो कहानी समझ में आ गया। अभी चलिए इसका पूरा कंप्लीट क्लच प्लेट चेंजिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये आपका आइडलिंग गियर आपका किक सेफ के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और उससे प्राइमरी गियर बोले तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइमरी गियर में कोई भी निशान वगैरह नहीं है, सही है। तो ये मोबाइल पंप है ये, और इसका गियर शिफ्टिंग वगैरह ये होता है। तो सबसे पहले इसका रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पे देखो, अगर आपके बाइक में इस हब में निशान पड़ चुका है, ये देखो, इसको हम फाइल से घिस के स्मूथ कर देंगे। इसको मैं घिस लेता हूँ, उसके बाद इसको ट्राई कर दो कि रिपेयर हो जाए, उसके बाद मैं मिलता हूँ क्लच प्लेट का मेन वीडियो लेके। कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल हमने ग्राइंडिंग कर दिया, बिल्कुल ग्राइंडिंग कर दिया, बिल्कुल स्मूथ भी कर दिया हर एक हिस्सा, कोई भी इसमें दाग नहीं है। अभी इसके अंदर जब क्लच प्लेट स्लाइडिंग करता है ना, तो गियर शिफ्टिंग एकदम बटर स्मूथ होने वाला है। और दूसरा, इसका जो मैंने बोला था कि ये वाला प्ले है, आप घर पे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसमें देखो स्प्रिंग आता है, तो स्प्रिंग को हमने क्या किया है, बिल्कुल ध्यान से करना है, 10-15 मिनट टाइम लगेगा। तो इसके बीच में घुसाना है, और इसको ऐसे प्रेस करना है हर पॉइंट को इस तरीके से, मतलब ये स्प्रिंग एक्चुअली लूज हो जाता है, तो हमने कर दिया है दोनों तरफ, देखो बराबर मात्रा में ताकत लिया करना है। तो इसमें होगा ये, इसमें जो लूजनेस था वो टाइट हो जाएगा, स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, मतलब इसमें जो प्ले था ना एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा, हल्का सा है मिनिमम सा, बट पहले से कितना प्ले था अभी बहुत जान लगा रहा, देखो ये मैं देखो अभी अभी घूम नहीं रहा है, मतलब इसका भी परमानेंट लगभग सॉल्यूशन हो चुका है। जो क्लच हाउसिंग है वो सब कुछ सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है, अब इसे फिटिंग करना है। इसका बुश लगाते हैं, और उसके बाद इसमें कुछ नहीं रहता है, सिंपल लगा दीजिए, ये देखो अंदर चला गया, बिल्कुल अंदर चला गया। उसके बाद ये आपका लगाना पड़ेगा वाशर। उसके बाद जो क्लच प्लेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें चार क्लच प्लेट्स लगते हैं। इसका MRP है 646 रुपीज़, बहुत ही सस्ता है, और होंडा का जेन्युइन पार्ट्स में डाल रहा हूँ, तो ये बहुत सालों साल चल जाएगा। हीरो इग्निटर में हम होंडा साइन का क्लच प्लेट्स लगा रहे हैं, इसमें चार रहते हैं, मैच करके ही मैंने लाया है, और यहाँ पे देखो बिल्कुल मैच हो गया हमारा। तो ये ओल्ड वाला, और ये नया क्लच प्लेट्स। इसका हम हब चेंज कर रहे हैं, ये एक्चुअली ओल्ड वाला हब है, ये देखो कट चुका है, हल्का सा बैठ चुका है, और ये भी हम होंडा साइन का लाए हैं, देख सकते हैं ब्रांड न्यू हब, और यहाँ पे देखो कटा नहीं है बिल्कुल, ये देखो, और ये हल्का सा कट चुका है, ठीक है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। और इसका जो MRP है वो बहुत ही कम है, 362 रुपीज़, 2022 मैंने कहा, ये होंडा साइन का है, क्लच सेंटर इसे कहते हैं, क्लच सेंटर। और इसका उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, सबसे पहले हम क्लच प्लेट लगाएंगे, प्रेशर प्लेट जो कि हम ओल्ड वाला ही यूज़ कर रहे हैं, ये लग गया,
उसके बाद फिर से क्लच प्लेट्स, उसके बाद प्रेशर प्लेट, उसके बाद फिर से क्लच प्लेट्स एंड लास्टली इसका जो प्रेशर प्लेट है। और प्रेशर प्लेट आप ट्राई करो कि इस पर जो फ्लैट्स फ्लैट वाला हिस्सा है और ये थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है, तो फ्लैट वाला हिस्सा ये यहाँ पे ये वाला फ्लैट वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे आपको तीनों प्लेट्स लगाना है, उल्टा सीधा खर्च नहीं करना है। ये हमारा लास्ट वाला प्रेशर प्लेट लग गया और ये हमारा लास्ट वाला क्लच प्लेट्स। हो गया असली इसका जो ओल्ड वाला ही सेंटर था, क्योंकि ये वाला जो सॉरी इसे हब कहते हैं, ये वाला हब कटा नहीं था तो हम ओल्ड वाला ही यूज़ कर रहे हैं, तो 350 रुपये बच गया। अब यहाँ पे देखो चार होल है, यहाँ पे भी चार होल है, मैच होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैच नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो सिंपली हमको इसको घुमा के इस तरह से लगाना पड़ेगा। जहाँ पर आपका मैच होगा ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ जाएगा, ये देखो बाहर की तरफ आ गया, तो हमारा क्लच प्लेट देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से होंडा साइन का लग गया। और ये क्लच प्लेट्स यहाँ पे फंसेगा इस जगह पे। उसके बाद इसका जो ये वाला वाशर है वो लगाना पड़ेगा और इसका जो 19 नंबर का नट है वो आपको टाइट करना पड़ेगा। और फुल टेट करना है अभी। होने के बाद यहाँ पे देखो फुल टेट नट हो चुका है और यहाँ पे जो एक्सल है वो हल्का सा बाहर की तरफ निकला है, ठीक है। और फुल टेट करने के बाद ये वाला बिल्कुल स्मूथ फ्री होना चाहिए। अगर आपका ये वाला क्लच होल्डर फ्री नहीं है टाइट होने के बाद, तब जाके आपका मतलब इसमें अटक रहा है, इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, आपने सही से फिटिंग नहीं किया है, इस तरीके से हो गया। इसके बाद इसका जो स्प्रिंग वगैरह वो लगाए थे। बराबर 50/100 अमूल का ऑयल डाला हुआ है, मतलब डाला है, बट अभी मुझे वो नहीं मिल रहा, तो मैं इसका अपग्रेडेड मॉडल लाया हूँ। जैसे 7/100 10W40 1 लीटर का पाउच है, बट इसमें 900 मतलब 900 डालता है, 900 ml। इसके एम आर पी देख लो मतलब ज़्यादा ही है ऑब्वियसली, तो इसका मॉडल नंबर है 7/100। हम जो यूज़ कर रहे थे वो है 50/100 10W40, मेरे प्लेटिनम पे वही डालता हूँ। तो ये अपडेटेड मॉडल 875 के एम आर पी है और ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन, फुल्ली सिंथेटिक, ठीक है। ये वो वाला सेमी सिंथेटिक ऑयल था 5100 और ये फुल्ली सिंथेटिक। हाँ ये रेड कलर का है और नेक्स्ट टाइम से मैं यही ऑयल मतलब 20W50 ग्रेड वाला 7100 ही मैं बस 220 में डालूंगा। तो इसमें हल्का हल्का सा क्लच प्लेट्स को गीला करना, हल्का सा। बस इतना काफ़ी है, अब इसको टाइट करते हैं। और अभी हम इसका ये वाला प्लेट लगाएंगे, ये वाला सेंट्रिफ्यूगल फिल्टर लग गया। तो इसको टाइट करने के लिए मैंने क्या किया, इसका जो मोबाइल पंप है वो हमने खोल लिया, 10 नंबर का 2 वोल्ट है, और ऐसे हमने इसके बीच में फंसाया था ये वाला पेनियम, और सिंपली इसके नीचे ये और इसके नीचे इसके फंसा के हमने टाइट कर दिया है। अदरवाइज मोबाइल पंप नहीं निकालते तो ये फिटिंग नीचे मतलब नीचे लगता नहीं है। अभी लास्टली इसका जो ये वाला कवर है इसमें देखो पैकिंग लगा हुआ है, ये पैकिंग सही है, और इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है ये आपको क्लीन कर देना है। और इसके नीचे एक ये वाला पंप रहता है, इसको हम बाहर से भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले इसको बाद में लगाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एक आपका इंटरनल क्लीनर रहता है, जाली बोल सकते हो, इसको आपको 100% क्लीन करना है। इसी बाइक में अंदर रहता है और पल्सर वगैरह आपका प्लैटिना वगैरह न्यू मॉडल में आपका बाहर मतलब ऑयल मोबिल फिल्टर दे रहता है, इसके अंदर इसके इंजन का अंदर दिया रहता है, तो इसको आपको क्लीन करके लगाना पड़ेगा। ये वाला जो आपका मोबिल पंप का गाड़ी है उल्टा करके नहीं लगाना है, ऐसे ही लगाना है, और वो इस जगह से ड्राइव लेता है।
ये देखो लॉक हो गया, ये इसके अंदर से ड्राइव लेता है। सो गाइस इस तरीके से इस बाइक का काम कंप्लीट हो चुका है और इंजन का साउंड मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और इसका क्लच जो है बिल्कुल बटर से भी स्मूथ हो चुका है। ये देखो मैं एक उंगली से देखो मतलब, और क्लच जो है ना मतलब एक उंगली से मैं खींच दूंगा। देखो कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी तो रात हो चुका है, इसका पिकअप वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली इसके ऊपर तो होने वाला है, वहाँ पे सब कुछ इसका बॉडी पैनल वगैरह आ चुका है, तो सब कुछ ये वाला पार्ट्स वगैरह सब कुछ। इस बाइक को एक्चुअली न्यू करना है, इस बाइक को नेक्स्ट दिन पूरा फुल्ली ओपन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पिकअप टेस्ट कराएंगे। अभी क्लच का पूरा काम तो हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और यहाँ पर देखो मैं आपको इंजन का साउंड सुनाया था, इंजन इतना स्मूथ हो गया ना क्या बताऊँ। ये देखो साउंड सुन लो, तो इस तरीके से इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो रेगुलर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।